मिला देना, उसको मिला करके तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट टेक्निक। मतलब ये हमारे सिलेबस में है, हमको ये नहीं करना है, हमको इसको वैसे तो मर्ज सॉर्ट टेक्निक का जो पूरा प्रोसीजर है, होल प्रोसीजर है वो यही है, इसी के थ्रू किया जाता है। लेकिन हमारे कोर्स में, 12th के कोर्स में केवल दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करके एक तीसरा सॉर्टेड एरे क्रिएट करना, यही हमारे सिलेबस में है। तो अब हम लोग देखते हैं उसको किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सॉर्ट एक एरे है आपका ए, और दूसरा एरे है बी, ये है लिस्ट ए और ये है लिस्ट बी। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? पांच। फाइव ए जीरो ए वन ए फोर, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है कितने एलिमेंट है? सेवन। मतलब ए जीरो ए वन ए सिक्स, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए है 10, 11, नहीं 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें एलिमेंट है 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, थोड़ा transfer the value of A0 to C0 and
the value of V zero to C zero and increase the pointer of B and C. Condition check karo कि क्या a zero is less than b zero है? Yes sir. है? जी sir. तो ऐसे केस में a zero की वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर कर दो? C zero में ट्रांसफर कर दो. और साथ ही साथ क्या करो? a के पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर दो और c के पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर दो. Now the next comparison will be between A1 and B0. A1 and B0. भाई इसके पॉइंटर में तो इंक्रीमेंट हो गया ना, इसके पॉइंटर में तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं. तो नेक्स्ट कंपैरिजन जो होगा वो A1 और B0 के बीच में ही. ठीक है, तो फिर से चेक करो कंडीशन को कि क्या A1 is less than B0? A1 is less than B0? False है. ठीक है, तो ऐसे केस में else statement execute होगा. B की वैल्यू को मतलब B0 की वैल्यू को C1 में ट्रांसफर कर देंगे. मतलब यहाँ पर ये 11 यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर देंगे और साथ ही साथ बी के पॉइंटर में जिसकी वैल्यू सी में ट्रांसफर होगी उसी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया जाएगा और सी में तो इंक्रीमेंट होने ही होना है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो किसके किसके बीच में होगा? A1 एंड B1. तो क्या A1 इज लेस देन B1? यस. ऐसे केस में A1 की वैल्यू को यहाँ पे C में ट्रांसफर कर दो, C में इंक्रीमेंट कर दो और A में इंक्रीमेंट कर दो. अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो किसके किसके बीच में होगा? A2 और B1 के बीच में होगा. समझ में आ गई बात? यस सर. इसी तरह से होगा. एक पॉइंट पर आप वहां पहुंच जाएंगे, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब आपके या तो A1 के अंदर वैल्यू खत्म हो जाएगी और या तो B1 के अंदर वैल्यू खत्म हो जाएगी. समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में यहां पर आप लिख दीजिएगा नोट, रिपीट द अबव स्टेप मतलब अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं आप. ऐसा कुछ नहीं जो हमने लिखा वही लिखे ना, आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं. एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ए के एरे के एलिमेंट्स फिनिश हो जाएंगे या फिर बी के एलिमेंट्स भी फिनिश हो जाएंगे. तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि फिर से स्टेप नंबर 2 पर लिखिए कि स्टेप नंबर 2 पर कि वाई. अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ए का साइज है M, ठीक है, और B का साइज है N, ठीक है ना. A की लोकेशन को जो रिप्रेजेंट करने वाला लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो मान लीजिए स्मॉल a है, लिस्ट हमारी कैपिटल A, ठीक है,
और लिस्ट के अंदर जैसे कि जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है जो इनकी लोकेशन को या फिर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो मान लीजिए स्मॉल ए है और बी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल स्मॉल बी है, ठीक है। तो इफ या फिर व्हाइल ए इज लेस देन एम, ठीक है, जब तक ए की वैल्यू जो है वो एम से कम हो, अगर ए में एलिमेंट बचे हैं तो, समझ लो। तो ऐसे केस में क्या करे कि ट्रांसफर तो उन एलिमेंट्स को सी में ट्रांसफर कर दो, और अगर ए में नहीं बचे हैं तो फिर बी में बचे होंगे। तो वाई B is less than N, तो ऐसे केस में यहां पर लिख दू ट्रांसफर एलिमेंट्स ऑफ B टू C, ठीक है, करके दिखाएगा पूरा, जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत नहीं भाई। देखिए जैसे कि यहां पर 20 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा 23 आएगा, फिर क्या आएगा 30 आएगा, फिर क्या आएगा 37, फिर 40, फिर 45, फिर 50। अब यहां तक हो गया जवाब का, तो फिर देखिए कौन कौन से किस एरे के एलिमेंट बच रहे हैं, बी के एलिमेंट बच रहे हैं, हाँ, तो वो सारे के सारे सी में ट्रांसफर, ठीक है। तो ये है मर्ज सॉर्ट टेक्निक। अब इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं, कहोगे कि
less than or equal to m or b is less than or equal to n. ठीक है, ऐसे. अच्छा एक चीज और है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं. ठीक है, बता दें कि डिसेंडिंग में कैसे करेंगे. अब ये हो गया. अब कंडीशन चेक करो वाइल की बॉडी के अंदर कि इफ ए ए, समझ रहे हो, ए की वैल्यू जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो कहां से लेके कहां तक स्टार्ट कहां तक जाएगी. जीरो से एम माइनस वन. राजेंद्र नारायण कहां से कहां तक जाएगी. जीरो से लेकर एम माइनस वन. जीरो से लेकर एम माइनस वन. एन माइनस वन हमको कुछ नहीं पढ़ रहा था. तो एम है ना साइज, तो इसलिए एक एक का जो रूप चलेगा वो एक की वैल्यू जीरो से लेकर के एम माइनस वन में जाएगा. इफ ए ए इज लेस देन बी बी देन क्या करें क्या करें. सी को भी तो करिए. जरूरत नहीं है, करना चाहो कर दो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि अपेंड तो कर ही दिया ना उसमें. सी में अपेंड तो कर ही दिया है तो जरूरत नहीं है इंक्रीमेंट करने की. अब जो नेक्स्ट एलिमेंट अपेंड होगा वो नेक्स्ट प्लेस पर ही अपेंड होगा. लेकिन फिर भी लिख दोगे तो गलत भी नहीं है. लिख दू रन करा रखा है मैंने. ठीक है, else क्या लिखे ऋषि पांडे. क्या करे सी डॉट
हार्ट मूवी जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब अपेंड कर रहा है तो फिर इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होता जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पर ही तो अपेंड कर रहा है ना सर। ए में, ए और बी में अपेंड, ए और बी में इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जब अपेंड कर रहा है तो इंक्रीमेंट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लिख दूं मैं अपेंड कर दूं। यहां लिख दो कि a इज इक्वल टू a प्लस 1 और यहां पर लिख देता हूं b इज इक्वल टू b प्लस 1। ये हो गया प्रोग्राम खत्म, फंक्शन फिनिश। आर्ट मूवी की तरह कब खत्म या दीप नहीं चलता, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। हां तो ठीक है, बताओ मुझे ना क्या क्या लिखूं मैं। और बी जी सही है, बैठ ठीक है। अब क्या करना है, साइन एंटर करना है, तो साइन एंटर कर लोगे। m is equal to integer input लिख लोगे ना, और फिर क्या करना है, एक एलिमेंट इंसर्ट कराने, तो एक फॉर का लूप चला करके और यहां से लिख लेंगे आप लोग, एलिमेंट इंसर्ट करा लेंगे एक एक, ठीक है। फिर क्या करना है, b के लिए b की साइज, b का साइज एंटर करना है, दो एरे लेने हैं ना, b का साइज एंटर करना है, फिर b के एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं, फिर क्या करना है, गलत सी के लिए वो करना है, सी तो डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी, फिर क्या करना है, मर्ज तो करेंगे ही करेंगे लेकिन अपेंड करें, नहीं अपेंड तो करेंगे ही, अपेंड तो कर चुके ना वरुण, अपेंड तो कर चुके हैं, क्या करेंगे बताओ। Thank you.
ठीक है, समझ में आ गई बात?